सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ ऑप्टिमस गेमिंग। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4GB रैम बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर, क्योंकि यार बहुत टाइम पहले मैं एक वीडियो बनाया था 4GB रैम वाले सेंसिटिविटी वाले ट्रिक के ऊपर, तो उसमें आज भी कमेंट्स आते हैं और मुझे बोलते हैं कि यार हमारा न्यू फोन आ गया तो उसके रिगार्डिंग बताओ कि क्या अभी हमको सेंसिटिविटी सेटिंग रखना चाहिए। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि यार ओल्ड जो मॉडल के फोन आते थे ना उसमें सेंसिटिविटी की दिक्कत अभी जाके हो रही, क्योंकि अभी के जो न्यू टेक्नोलॉजी वाले न्यू मॉडल वाले फोन आ रहे हैं ना 4GB रैम वाले, उनमें ना थोड़ी सी अच्छी सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, क्योंकि डिस्प्ले का साइज वगैरह भी बहुत मैटर करता है सेंसिटिविटी में। सो आज की इस वीडियो में आपको पूरी सेंसिटिविटी के रिगार्डिंग जानकारी देने वाला हूं कि 4GB रैम में किस तरह से आप अपने फोन को बेस्ट बना सकते हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इसी टाइप के क्वालिटी कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे। और मेक श्योर कि सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक भी जरूर से कर देना, ताकि आपको इसी टाइप से वीडियोस देखने को मिलते रहें। सो चलो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि आप कैसे अपने ओल्ड डिवाइस है ना, जो 4-5 साल पुराने वाले डिवाइस है 4GB रैम वाले, उनमें आप सेंसिटिविटी अपनी फोन की थोड़ी सी इंक्रीज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, सेंसिटिविटी में मतलब सेटिंग में अपने चले जाना है, फोन के सेटिंग जो होता है ना उसमें। एंड उसके बाद आपको सर्च बार यहाँ पे दिखता है, अगर आपके में सर्च बार नहीं है तो नॉर्मल आप एसेसिबिलिटी में जाके इसको ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है पॉइंटर स्पीड करके, और अगर नहीं है तो एसेसिबिलिटी में जाना, लैंग्वेज एंड कीबोर्ड का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपको ये वाला चीज जो है ना वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद ना लगभग सभी बंदों के में ना ये मिनिमम सेट होगा, मतलब मीडियम जो है ना बीच वाले पे वहाँ सेट होगा। तो इसको आप स्क्रॉल करके सबसे लास्ट में सेट कर लेना, सबसे एंड तक सेट कर लेना, 100% पूरा फिल कर देना। एंड इसके बाद बैक आ जाना। यहाँ पे आपको ये ट्रिक करने के बाद जितना भी ओल्ड डिवाइस है ना उसका, तो थोड़ा सा डिवाइस का जो है स्क्रीन वो स्मूथ हो जाएगा, थोड़ा सा आपका जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। और याद रखना, इसको ओल्ड डिवाइस वाले प्लेयर करना, न्यू डिवाइस वाले प्लेयर करो या ना करो एक ही मतलब है। ठीक है, सभी चलते अपनी गेम की सेंसिटिविटी में आपको क्या चेंजेस करने हैं उसके बारे में मैं बता देता हूं। तो सबसे पहले एक मिथ है कि रेड डॉट को कम ज्यादा करने से आपके ना वन टैप अच्छे लगते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। रेड डॉट आपका तभी काम आता है जब आपके पास कोई भी स्कोप नहीं होता, उस कंडीशन में आपके रेड डॉट की सेंसिटिविटी का यूज होता है। और वन टैप के लिए जो सेंसिटिविटी का यूज होता है ना वो पूरी तरह से आपकी गेम प्ले पे डिपेंड करता है, आपकी गेम प्ले के कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो को देख के ना अपनी गेम प्ले अपनी कंडीशन के ऊपर रिसर्च करके अच्छी तरह से अपनी सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर सकते हो, अच्छी तरह से अपनी सेंसिटिविटी सेटिंग को समझ सकते हो। तो चलो चलते हैं कंडीशन नंबर वन पे। तो गाइस, जितने भी लोगों का जो बुलेट होता है ना, आपका वन टैप लेते टाइम जब बुलेट कनेक्ट करते हो तो वो सिर के ऊपर से निकल जाता है, हमेशा ऐसा ही होता है अगर आपके साथ। तो आपको क्या करना है ना कि अपनी सेंसिटिविटी में थोड़ा सा आपको चेंज करना है, और आपका सेंसिटिविटी जो है ना जनरल का उसको 94 या 93 के आसपास रख लेनी है। अब इस बात को अच्छे से समझो, अगर आप फायर करते हो, फायर करने के बाद आपका जो बुलेट्स है वो सिर के ऊपर से निकल जा रहा है, तो आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी कम करना है। और ये हमारा कंडीशन नंबर वन था, तो अगर आपका भी ऐसा होता है तो आप सेंसिटिविटी थोड़ा सा कम कर लेना। बात करें कंडीशन नंबर टू की, तो जिनका भी एम अच्छा होने के बावजूद, जिनका भी रेड हो जाता है एम, सब कुछ अच्छे से रहता है, एंड उसके बाद आपका जो एम है ना वो बॉडी पे चिपकने लग जाता है, बॉडी पे कनेक्ट हो जाता है, तो आपको क्या करना है, सेंसिटिविटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना है। और ये ट्रिक है ना जो इसके ऊपर, मतलब थोड़ा सा आपको अच्छे से फॉलो करना है कि आपका जो एम है अच्छी तरह से ऊपर जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना कि आपका सेंसिटिविटी जो रहता है ना उसमें आपको 98 या 99 के आसपास आपको सेंसिटिविटी अपना सेट कर लेना है। एंड इसके बाद एक छोटा सा और ट्रिक है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपका हाई एंड डिवाइस है, अच्छा डिवाइस है, थोड़ा सा महंगा वाला डिवाइस है ना, तो आप जाके अपना हाई FPS सेट कर सकते हो, हाई FPS पे खेल सकते हो, बट इससे थोड़ा सा फोन हीट होता है। अगर आपका पुराना फोन है तो इस पे मत जाना, अगर आपका नॉर्मल फोन है तो नॉर्मल में ही रहने देना, नॉर्मल में ही खेलने का ट्राई करना। तो आई होप कि आपको दोनों गेम प्ले का ट्रिक समझ में आया होगा, आपको वन टैप लेने का सही ट्रिक समझ में आ गया होगा, सही सेंसिटिविटी समझ में आ गया होगा। सो यही था आज की इस वीडियो में। अब अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को जरूर से जल्दी से जाके लाइक कर दो, और चैनल पे इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा देना, और साथ में घंटी जरूर से दबाना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस रेगुलर मिलते रहे। सो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इस वीडियोस में, कमेंट जरूर कर देना कि कौन सी टॉपिक पे आपको और वीडियोस चाहिए। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।